बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखेंगे कि बार बार अब उसको सुल्तान साहब समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि ऐसा ऐसा ना हो कि कल को सारा ज़मान तुम्हारा दुश्मन होकर रह जाए क्योंकि तुम्हारी जो हरकतें मुझे नज़र आ रही हैं मुझे नहीं लगता है कि तुम पचने वाली हो तुम ज़रूर जलील होकर रहोगी सबसे क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं हो रहा कि तुम क्या कर रही हो और क्या करना चाह रही हो बस मैं तुमसे यही कहता हूँ कि अपने इस अंदाज को बदल डालो अपने हन को बदल डालो ऐसा ना हो कि सबको अपने दुश्मन कर बैठो आगे से वो कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जो मैंने देखा था वही मैंने बताया है अपने से मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा अगर मैंने कहा होता मुझे किसी बात का कोई मलाल होता लेकिन मुझे किसी बात का अपनी कही हुई बात का दुख नहीं है इसका मतलब यही है कि मैं गलत नहीं हूँ आप लोग गलत हैं आगे से आप देखेंगे वो कहता है कि मैं तुम्हारी माँ से बात करता हूँ वैसे तो मुझे बड़े ही वो दावे कर रही थी और मुझे समझाने की कोशिश कर रही थी लेकिन उनको जब पता चलेगा कि उनकी अपनी बेटी ही इल्ज़ाम तराशियों पर उतर आई है और लोगों की जिंदगी अजीरन करने लग गई है तो आखिर उन बेचारों का क्या हाल होगा मुझे तो इस बात को लेकर काफी ज्यादा उन पर तरस आ रहा है कि काश उनका भी कोई हाल सही हो क्योंकि उन्हें जैसे ही पता चलेगा तो उनका क्या हाल होगा आगे से ऐसा कहती है कि आप उनसे ऐसा कुछ भी नहीं कहेंगे और वैसे भी वो मेरी माँ है और मुझे बड़े अच्छे तरीके से जानती है कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया है मैं जो कह रही हूं बिल्कुल सच कह रही हूं आगे से आप देखेंगे कि सुल्तान कहां उसकी बात सुनने वाला है उसको कहता है कि हां खैर जो होना था हो गया अब यह बात है कि तुम्हें अब जरा संभल के चलना होगा क्योंकि मैं अनकरीब तुम्हारा ये सारा पागलपन दुनिया के आगे ले आऊंगा उन्हें बता दूंगा कि यह एक पागल लड़की है जिसकी वजह से वो काफी हैरान हो जाती है क्योंकि वो नहीं जानती है कि उसके पास ही साफ है जो उसको हर वक्त डसने की कोशिश में लगा होता है कि मेरी बीवी कम अकल है और इसने अपनी कम अकली में ये सारी बातें की है परेशान मत होना इसको लेकर क्योंकि ये लड़की है इसी तरह की आपको बिल्कुल भी परेशान होने की जरूरत नहीं है मैं इसको अच्छे तरीके से हैंडल कर लूंगा आप बिल्कुल फिक्र मत करें बल्कि हमें माफ़ कर दें जिस पर आप देखेंगे उसका शोहर कहता है कि माफ़ी तलाफी वाली बातें सारी ख़त्म हो चुकी हैं हम आपसे कोई माफ़ी नहीं चाहते और ना ही आप लोगों से कोई तल्लुक रखना चाहते हैं बहुत ज्यादा सुल्तान अंदर ही अंदर खुश है क्योंकि सुल्तान ने बड़ी ही चलाकियाँ की हैं बड़ी ही बेईमानियाँ की हैं इस बेचारी इसरा के साथ और इसरा बेवकूफ़ लड़की को अभी तक समझ नहीं आ रही कि आखिर असल मसला कहाँ पर बना और क्यों बना और कैसे बना वो अभी भी समझ रही है कि सुल्तान बिल्कुल ठीक है लेकिन जब ये पर्दा फाश होगा तो असरा को चाहिए कि चार पाँच छः चपेड़े इसके मुंह के ऊपर लगाए क्योंकि ये इंसान जो है बहुत ही बहुत ही शातर इंसान है इसने हर बंद उस बंदे को इससे दूर कर दिया तो इससे मोहब्बत करता था क्योंकि कहीं ना कहीं यह इंसान भी जानता था कि मशल अपनी दोस्त पर जान निछावर करती है उससे बेहद प्यार करती है लेकिन इस चीज़ का बदला लेने के लिए उसने ये सारी हरकतें की ये सारी गेम रचाई इसलिए वो बेचारी एंड पर थक हार कर मशल अपने घर से यानी कि घर छोड़ने पर मजबूर होगी और दोनों मियाँ भी, भी फ़ैसला कर लेते हैं कि हम ये घर छोड़ चले जाएंगे तलत बेगम बहुत हैरान है कि आखिर क्या हुआ तुम्हें क्यों एकदम से क्या होगी आप दोनों में ऐसे कि वो घर छोड़ने पर मजबूर होगी आगे से आप देखेंगे कि वो कहती है कि मुझे बस इसी चीज की सजा मिल रही है जो कुछ मैंने किया है बस उसी चीज की सजा है मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था यानी कि इस असरा पे यकीन करके मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी है मुझे बहुत अफसोस है कि इस जैसी लड़की से मैंने दोस्ती की है मुझे बहुत ज़्यादा अफसोस रहेगा कि मैंने इस पर यकीन किया आगे से तैलत कहती है कि ज़रूर आप लोगों को कोई गलत हुई है आप लोग दोनों यानी कि बैठ के अपनी ग़लत को दूर कर सकते हैं लेकिन असल जड़ सुल्तान ही था जिसने ये सब कुछ किया है बेहतरीन ड्रामा सीरियल शिद्दत में आप देखे हैं जी क्या हो रहा है आखिर ये क्या चक्कर बन गया कैसे इन्होंने मशाल जैसी इतनी अच्छी लड़की को किस तरह से जलील करने का प्लान कर लिया है यानी कि यह सब कुछ दिखाने की कोशिश की जा रही है कि आखिर मिशाल भी ठीक लड़की नहीं है लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है वो सिर्फ़ और सिर्फ असरा की खातिर ये सारी बातों को कंट्रोल कर रही है क्योंकि उसे हर बार गुस्सा आया है जब जब सुल्तान ने असरा को जलील किया है और सबके सामने उससे बदतमीज़ी करने की कोशिश की है और उसने इस बात का खरा जवाब दिया है लेकिन अब जाकर असरा को इस चीज़ का अंदाज़ा भी हो रहा है कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें ठीक हो रही थी लेकिन इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें फिर से ख़राब हो रही हैं क्योंकि उसको बिल्कुल ही वक्त नहीं मिलता है और इतनी वो मसरूफ़ हो चुकी है मसल में दिन रात वो उसको इसके साथ ही रहती है जिसकी वजह से वो काफ़ी परेशान हो चुकी है और ये चीज़ वो सोच रही है कि काफ़ी ज़्यादा दूर कर रही है उसको सुल्तान से इस बात की टेंशन ने भी इसको काफ़ी परेशान किया है इसको और कुछ नहीं सूरत तो वो जाती है अपनी माँ के घर और वहाँ जाकर कहती है अपनी भाभी से कि भाभी मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे इस इसकी वजह से भी काफ़ी ज़्यादा मसले क्रिएट हो रहे हैं और काफ़ी ज़्यादा हमारे घर में यानी कि तंग हो रहे हैं मुझे मेरी सास ने भी कहा है क्योंकि तलत भी इसको समझाती है कि बेटा अपने घर को बचाने के लिए थोड़ा सा सुल्तान पर ध्यान देना होगा क्योंकि उसे अक्सर इस बात की शिकायत रहती है कि तुम उस पर ध्यान नहीं देती हो ऐसा हरगिज़ ना करना अपने घर को अपने हाथों से खुद बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई हो तुम्हें इस लड़की से जान छुड़ानी होगी रखो ठीक है लेकिन मैं तुम्हें यह नहीं कहती कि इस मसिल से अपनी जान छुड़वा लो मैं बस तुमसे यही कहना चाहती हूँ कि तुम्हें मशल के साथ एक तरीके के साथ वक्त गुजारना है क्योंकि जिस तरह तुम उसके ऊपर इतना निछावर हो जाओगी तो फिर हर चीज़ से दूर होकर रह जाओगी हर चीज़ से कट कर रह जाओगी वैसे मैं तुमसे जानती हूँ कि तुम पर कभी मैंने किसी चीज़ का बोझ नहीं डाला है लेकिन खैर सुल्तान का ही इतना बोझ है किसी और के बोझ की क्या ज़रूरत है उसको और किसी की बात सुनने की उसमें हिम्मत ही क्या रहती होगी क्योंकि सुल्तान जो है वो भी एक नंबर का क्या बोलें उसको कि क्या इंसान है क्योंकि आप देखेंगे कि किस तरह से वो जान बूझ कर के नज़दीक जाने की कोशिश कर रहा है ये चीज़ असर को बिल्कुल नकबले बर्दाश्त हो रही है लेकिन अक्लमंदी वो इस तरह से करे कि वो उससे कतलु कर दे कतलुक़ कर ना करे आहिस्ता आहिस्ता लिमिट में रह के उससे थोड़ी बातचीत कम कर दे क्योंकि इसके आने जाने की वजह से इसको ज्यादा इंटरफेयर करने की वजह से भी ये सब कुछ हो रहा है क्योंकि मशल को इस बात की समझ नहीं आ रही है कि उसके घर का क्या माहौल है क्या होता जा रहा है उसके साथ लेकिन असरा को इस तरह की बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी कि हर वक्त उसके पीछे ही मंडलाते नहीं रहना चाहिए था दरअसल असरा को बहुत ज्यादा सादी तबीयत वाली लड़की दिखाया गया है कि उस बेचारे को किसी बात का कोई पता नहीं चलता है किसी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है बहुत ही अच्छी संजीदा से लड़की दिखाई गई है और बताया गया है कि इसलिए इतनी साफ नीयत वाली लड़की को बिल्कुल भी टेंशन नहीं होती और इस लड़की के ऊपर ही मुसीबतें आती हैं कुछ हुआ इस तरह से ही है क्योंकि इसरा और सुल्तान की जोड़ी बिल्कुल भी ठीक नहीं है सुल्तान जो है जान बूझ कर सब कुछ कह रहा है असल में वो जब का उसने ये बातें सुनी हैं मशल और इसके दरमियान जो गुफ्तगु हो रही थी इस बात को उसने दिल पर ले लिया है और दिल पर लेने की वजह से ये सब कुछ कर रहा है और चाहता है कि बस अब ये काम जो है वो ख़त्म हो जाए क्योंकि वो इस चीज़ से बेहद परेशान हो चुका है और सोच रहा है कि बस अब इस लड़की को भी इसकी ज़िंदगी से निकालना होगा साफ साफ तो वो कहने से रहा लेकिन इसलिए इसके यानी कि इस तरह की चीज़ों के लिए इस तरह के हथ जो है वो अपना रहा है हर आप देखेंगे किस तरह कहती है कि अगर आपको मसला है मछल से तो मैं उसको छोड़ देती हूँ उससे बिल्कुल बातचीत नहीं करूँगी लेकिन वो कहता है कि मैंने तुम्हें कब कहा बल्कि मैं तो तुम्हें यह कहना चाहता था कि उसके साथ बातचीत ज़्यादा बढ़ाओ क्योंकि अगर तुम तो मुझसे ऐसी हो जाओगे फिर हो सकता है तुम्हारे अंदर भी कोई ख़ूबी कोई तब्दीली आ जाए लेकिन मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे अंदर कोई भी ख़ूबी कोई तब्दीली आ सकती है तुम जैसी हो वैसी ही रहने वाली हो असरा इन सब चीज़ों को सुनकर और ज़्यादा बेचैन और, और ज़्यादा परेशान होने लग जाती है कि आखिर मैं जो मर्ज़ी कर लूँ इधर कोई किसी की यानी कि कोई नकी नहीं है मेरी मुझे ऐसे ही जली जा रहा है